हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द टैग टेक ऑटो ज्ञान में आपका स्वागत है। और दोस्तों, हम किसी को भी अपनी कोई राय दें तो वो उसके फायदे की राय होती है। मार्केट को देखकर, स्ट्रेटजी को देखकर, टर्म्स एंड कंडीशंस को देखकर अपनी राय देते हैं, ताकि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें तो उसमें गलती बिल्कुल भी ना करें। लेकिन यूट्यूब पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने पर्सनल फायदे के लिए अपने व्यूवर्स के साथ धोखा करते हैं, उनके साथ चीट करते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि आप एक छोटी सी अमाउंट के लिए किसी का इतना बड़ा नुकसान कैसे कर सकते हो। आज मैं लेके आया हूं आपके सामने एक ऐसा वीडियो जिसको देख के आपकी आंखें खुली की खुली और फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अपने प्रीवियस वीडियो की, जिसमें मैंने फोर्ड के बारे में कुछ बातें बताई। और वो वीडियो मैंने बनाया था कुछ पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए, किसी कार एक्सपर्ट की बातों को मद्देनजर रखते हुए, जिसमें उसने बताया था कुछ उल्टा और मैंने रियलिटी बताई थी उस कार कंपनी के बारे में, यानी कि फोर्ड के बारे में। मुझे शक तो पहले से ही हो रहा था कि यार, ये इंसान इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है, अपने व्यूअर्स की आंखों में ये मिट्टी कैसे डाल सकता है। मुझे शक तो पहले से ही था, लास्ट ईयर से ही, जब उन्होंने अपना एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने शेवरले के फ्यूचर के बारे में बताया था और उसकी प्रेजेंट कंडीशंस और उसके आने वाली जो स्ट्रेटजी थी उसके बारे में बताया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसके बाद जीएम यानी जनरल मोटर्स इंडिया छोड़ के चला भी गया, और उसके बाद उन महाशय का वीडियो उनके चैनल से डिलीट भी हो गया, जिसके बारे में मैंने काफी क्वेश्चंस उनसे किए भी थे लेकिन मुझे कोई भी आंसर नहीं मिला। आप मेरा प्रीवियस वीडियो फोर्ड के बारे में जानना चाहते हैं और मेरे पूछे हुए सवाल जो मैंने आस्क कार गुरु से किए थे वो जानना चाहते हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। लास्ट पे आपको एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे रखा है, आप वहां जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं और वो सवाल भी आप जान सकते हैं। आज ही मैंने सुबह जब अपना यूट्यूब चेक किया तो मुझे एक वीडियो मिला जो कि हमारे एक काफी अच्छे फ्रेंड हैं, जो कि रविंद्रा जी, जिन्हें हमें प्यार से हम उन्हें रवि भी कहते हैं, देसी ड्राइविंग स्कूल वाले, उनका एक वीडियो मिला जिसमें आस्क कार गुरु की कुछ रियलिटी बताई है। मैंने उनका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं कि उनकी क्या राय है, उन्होंने क्या रियलिटी आस्क कार गुरु के बारे में बताई है। एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसमें ये आस्क कार गुरु हमारे एक डांस इंस्ट्रक्टर बने हुए हैं और यहां पे ये बता रहे हैं कि हम अपने बच्चों को डांस कैसे सिखाते हैं और आप भी हमारे यहां डांस आके सीखिए। भला कोई कार गुरु एक डांस इंस्ट्रक्टर कैसे बन सकता है, मुझे तो समझ नहीं आती। इन महाशय की शक्ल को देखकर आप बिल्कुल भी आइडिया लगा सकते हैं कि यार, इनको तो शायद एक भी स्टेप डांस का नहीं आता होगा और ये डांस इंस्ट्रक्टर बने हुए हैं। किस बेसिस पे बने हुए हैं? उसी बेसिस पे बने हैं जिस बेसिस पे ये कार गुरु बन के बैठे हुए हैं और हमारे फ्रेंड्स आंख बंद करके उनपे भरोसा करते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप कह सकते हो कि ये डांस गुरु यानी कि ये कार गुरु एक झूठा कार गुरु है, इस पे विश्वास करना बेवकूफी ही होगी। आप देखिए इस वीडियो को और मुझे बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अमित खरे है और मैं क्रिएटिव मैकेनिक डांस एकेडमी का ऑनर हूँ। मैं पिछले 6-7 सालों से बच्चों को डांस सिखा रहा हूँ। हमारे यहाँ के बच्चों ने अलग अलग स्टेज पर, अलग अलग टीवी शोज में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। हम चाहते हैं कि हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और टीचिंग स्टाइल से नए शहरों के बच्चे भी बेनिफिट उठा सकें। हम चाहते हैं मॉडर्न टेक्निक्स और हमारे एक्सपीरियंस से छोटे शहरों के बच्चे भी बेनिफिट उठा सकें। जी फ्रेंड्स, रिव्यू करना या किसी कंपनी के बारे में अच्छी बातें बताना एक बुरी बात नहीं है। अगर आप पेड रिव्यू भी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप अपने दोस्तों के साथ धोखा मत करें, उनकी आंखों में मिट्टी ना डालें। मैं धन्यवाद करता हूं रवि जी का, जिन्होंने ये इम्पोर्टेंट वीडियो हम सबके साथ शेयर किया
और इनकी रियलिटी के बारे में हमें बताया। मुझे शक तो काफी देर से था, लेकिन एक्चुअली हमारा टाइम शेड्यूल इतना ज्यादा टाइट होता है कि हम बैठ के इसको रिसर्च नहीं कर पाते, उसको ढूंढ नहीं पाते। रवि जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे साथ ये इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर किया और हमारे व्यूअर्स को ये बताया कि यार झूठे लोगों के पीछे मत लगिए। हाँ, आपने पेड रिव्यूज करने हैं तो शौक से करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी का भी प्रोफेशन हो सकता है, किसी का भी वो जरिया हो सकता है अपनी रोजी रोटी कमाने का, लेकिन एटलीस्ट किसी के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। मेरी प्रीवियस वीडियो देखने के बाद मेरे कुछ व्यूअर्स का मुझे क्वेश्चन था कि आस कार गुरु किसी के साथ झूठ कैसे बोल सकते हैं, तो मेरा आंसर शायद उन फ्रेंड्स को मिल गया होगा कि जिस तरह से वो इतनी बड़ी एक रियलिटी छुपा के बैठे थे, या वो अपने पर्सनल फायदे के लिए अलग अलग तरह के वीडियो या अलग अलग तरह के गुरु बन के बैठे हुए हैं, तो फोर्ड के बारे में इतनी सी बात बताना तो कोई बड़ी बात उनके लिए नहीं हो सकती। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगा है, आपको लगा है कि ऐसी बातें हमारे दर्शकों के सामने, हमारे व्यूअर्स के सामने छुपनी नहीं चाहिए, तो आप प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, जिससे आप सबको, अपने चाहने वालों को, आपके फ्रेंड्स को ऐसी रियलिटीज के बारे में पता चलता रहे। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।